देवास से हमारे संवाददाता जीवन पंचाल की रिपोर्ट। नाबालिग को थाने में रात भर बैठा कर रखा। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मुखर्जी नगर में शाम को एक महिला मोबाइल पर बात कर रही थी, तभी तीन बदमाश बाइक पर आए, महिला का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। महिला के द्वारा बताया गया चेहरा और कपड़ों के रंग के अनुसार दो युवकों को पुलिस ने रात को गिरफ्तार कर लिया। रात भर थाने में बैठा कर रखा, पूछताछ की। इधर भाजपा नेता राजेश यादव अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचे और सिविल लाइन थाना प्रभारी विवेक कनौरिया से नाबालिग को थाने में रात भर रखकर पूछताछ करने का सबब पूछा और वही मामले की जानकारी ली तो दोनों में बहस हो गई और बहस काफी बढ़ गई। सीएसपी थाने पर पहुंची और पूछताछ कर दोनों युवकों को थाने से छोड़ दिया गया। जो रहती है उसने दो छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने ऑरेंज टी शर्ट पहन रखी थी, उज्जैन से महाकाल राजा की सवारी से वापस आए थे, उन लोगों को रात को थाने ले आए थे। रात को मेरी पीआई साहब से बात भी हुई थी कि ये लोग बच्चे हैं, निरपराध हैं और आप पूछताछ कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। पीआई साहब ने बोला था कि नहीं, हम पूछताछ करेंगे और इनको सुबह छोड़ेंगे। रात को हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन रात भर उन बच्चों को लॉकअप में रखा जो गलत है। नाबालिग बच्चों को लॉकअप में रखना पुलिस कानून के अंतर्गत नहीं आता है। पूछताछ आवेदन आया था हमारे पास एक प्रार्थिया का, उसका कहना था कि मैं बीमा रोड पर घूम रही थी, बात कर रही थी, तो उसी समय तीन लड़के आए बाइक पे और उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। तो उसी आधार पे हमने जो महिला ने हुलिया बताया था, कपड़ों का रंग बताया था, उसके आधार पे सस्पेक्टेड लोगों को उठाया था। उसी के संबंध में उसको तो छोड़ दिया गया है, रवाना कर दिया गया उसके घर वालों के साथ। बाकी लोगों से हम पूछताछ कर रहे हैं, अभी उनके संबंध में इनपुट्स भी मिल रहे हैं। सारंगपुर से हमारे संवाददाता गुलाम हसन की रिपोर्ट। बीते वर्ष नष्ट हुई किसानों की फसल की राशि किसानों के खाते में जमा हो गई है, पर बैंक और केसीसी वालों की भीड़ बैंक में हो रही है। कई दिनों से राशि के लिए किसान बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन राशि नहीं मिल पा रही है। एसबीआई में लिंक फेल हो जाती है, कभी कर्मचारी छुट्टी पे चले जाते हैं और कभी आईडी भोपाल से नहीं खुल पाने के कारण किसानों को राशन नहीं मिल पा रहा है। सोमवार को बैंक की लिंक फेल हो गई। दूसरे दूर दराज से गांव के आए किसानों ने दिन भर परेशान होते रहे और स्टेट बैंक के में 1398 किसानों की केसीसी है। किसानों ने बताया कि 4-5 दिन से बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन राशि नहीं मिल पा रही है। वही बैंक मैनेजर ट्रेनिंग पर चले गए हैं और एक अन्य कर्मचारी का तबादला हो जाने से बैंक का काम पर काफी असर पड़ रहा है, जिससे किसानों की परेशानियां बढ़ रही हैं। सहायक बैंक मैनेजर एसबीआई पड़ाना से का कहना है कि बैंक की हमारी जो आईडी बनी हुई है वह भोपाल में चालू होती है, इस कारण किसानों को परेशानी हो रही है। बीमा की राशि उनके खाते में जमा है, आईडी खुलने के बाद ही हम बता पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं। बैठती भारतीय स्टेट बैंक शाखा पराना में किसानों की भरमार है, किसानों की सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी लापरवाह हो रहे हैं। बैंक मैनेजर जो पदस्थ है यहाँ पे एरिया मैनेजर अशोक सिंह तोमर के द्वारा मनमानी की जा रही है। इस मनमानी के कारण आज बाद जितने भी लगने वाले क्षेत्र के किसान हैं उनको बीमा तो मिल गया, लेकिन शासन की योजना का लाभ इनको मिल नहीं पा रहा है, इसलिए शासन की योजना धोती समझ में रहकर आ रही है। नहीं सुन रहा, देखो तारीख पे तारीख दे रहे हैं हमको, देखो 10 दिन हो गए। यहाँ पे जितने भी कस्टमर हैं सारे परेशान हैं, एक भी खुश नहीं इस बैंक से। आपका क्या नाम है? सर मेरा दिलीप कुमार मोगिया नाम है, मैं ग्राम बन्नी का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे आज 10 दिन से लगातार चक्कर काट रहा हूँ, कभी आती है तो ये निकाल के दिया। विदिशा सिरोन से हमारे संवाददाता बाजिद कुरैशी की रिपोर्ट। विदिशा सिरोन से 10 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल रोड के ग्राम महू के समीप एक तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल चालक ग्राम रिछन के दो व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। सिरोन से कैमरामैन अंशु खान के साथ बाजिद कुरैशी की रिपोर्ट।